हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी विलमार के बारे में। तो अडानी विलमार का आज Q3 का रिजल्ट आ चुका है, आज है 14 फरवरी और Q3 का रिजल्ट अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज का इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 375 का, 375 पे इसने क्लोजिंग दी है। और ओवरऑल आज का देखें तो ये 1.2% से आज डाउन में था। वहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी डाउन थे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज यहाँ पर 4% से डाउन था। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 3% से निफ्टी भी डाउन था। इस कंडीशन में भी अगर ये ओनली 1.2% गिरा है तो मीन्स काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की देखने को मिल रही है। दूसरे शेयर काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं आज। तो खासियत होती है कि अगर मार्केट काफ़ी जितना भी डाउन हो ये कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देते हैं और मार्केट कितने गिर जाए ओनली इसमें 1-2% का ही डाउनफॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा चलो बात कर लेते हैं अब इसके रिजल्ट्स की। तो आज इसका रिजल्ट आ चुका है Q3 का, तो मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखा देता हूँ। इसके रिजल्ट में सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके इनकम की, देन एक्सपेंसेस की, देन यहाँ पर टैक्सेस कितने लगे हैं और उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट कितना बचता है। और उसके बाद अपन इसका कंपेयर करेंगे कि इसका इस क्वार्टर का रिजल्ट क्या रहा है, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट क्या था और पिछले साल के इसी सेम क्वार्टर का रिजल्ट क्या था। तो उसके वजह से अपन कंपनी का एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली इसमें ग्रोथ कितनी हो रही है। तो सबसे पहले तो अपन इसका दिसंबर के रिजल्ट ही देखेंगे, उसके बाद अपन कंपेयर करेंगे कि 2020 दिसंबर में इसका रिजल्ट क्या था और पिछले क्वार्टर में इसका रिजल्ट क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इसका देख लेते हैं इसकी इनकम की। तो सबसे पहले अपन इसका अगर रिवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो टोटल रिवेन्यू आता है वो दो तरीके से आता है। एक तो इसका जो ऑपरेशन रिवेन्यू है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो दूसरा इसका जो रिवेन्यू आता है वो है अदर इनकम से। तो अदर इनकम तो एक माइनर है लेकिन मेजर जो इनका रिवेन्यू आता है इसका ऑपरेशन से आता है। तो अपन यहाँ पर टोटल इनकम है उसकी बात करेंगे। टोटल इनकम बोले तो टोटल रिवेन्यू दोनों सेम ही है। तो टोटल रिवेन्यू की अपन बात करते हैं, इसका जो टोटल रिवेन्यू है इस क्वार्टर का वो है 14,405 करोड़ का, दिसंबर 2021 का। तो टोटल रिवेन्यू की बात करें 14,405 करोड़ का इसका टोटल रिवेन्यू है, उसमें से 14,378 करोड़ फ्रॉम ऑपरेशन है और कुछ माइनर है 27 करोड़ का रिवेन्यू इसका अदर इनकम है, तो वो एक माइनर चीज़ है। अब तो ये तो बात होगी इसकी रिवेन्यू की, तो जिसने टोटल कंपनी इतने रुपये यहाँ पर कमाए हैं, इतने रुपये इन द सेंस इन्हें रिवेन्यू जनरेट किया है, इतने रुपये की उन्होंने सेल्स की है। अपन बात करते हैं कुछ एक्सपेंसेस भी हुए होंगे कंपनी के, सेल्स तो हो गया है लेकिन एक्सपेंसेस कितने हुए हैं इसमें से। तो एक्सपेंसेस की बात करते हैं, इसमें काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग एक्सपेंसेस यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसके बाद परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कुछ यहाँ पर स्टॉक भी ट्रेड किए हैं उन्होंने उसके एक्सपेंसेस है। देन चेंज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का भी इसमें कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, कुछ एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह गई हैं वो भी इसमें एक्सपेंसेस है। फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन भी है, कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हैं। तो ऐसे अपन सब देखते हैं तो यहाँ पर जो 12,582 करोड़ है इसका टोटल जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ऐसे 606 करोड़ इसका जो है स्टॉक ट्रेड किए हैं उसके हैं। इन्वेंट्री का देखें तो इसका 212 करोड़ का ही जो नेगेटिव में है। इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करें तो 83 करोड़ का इनका एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम जो था उसमें गए हैं। फाइनेंस कॉस्ट 143, डेप्रिसिएशन कॉस्ट 81। देन इसके बाद अपन अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें 814 करोड़ के टोटल अदर एक्सपेंसेस हैं। ऐसे अगर अपन इन सभी एक्सपेंसेस को मिलाते हैं यहाँ पर जो टोटल इसका एक्सपेंसेस बन के आता है वो है 14,099 करोड़। तो अगर अपन रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू इनका था टोटल 14,405 करोड़ का और उसमें से अपन एक्सपेंसेस घटा देते हैं तो काफ़ी कम इनका प्रॉफिट मार्जिन बन के आता है, क्योंकि 14,405 करोड़ का टोटल इन्होंने रिवेन्यू किया है, उसमें से 14,099 करोड़ का इन्होंने टोटल एक्सपेंसेस कर दिया है। तो इसके बाद अगर अपन देखें टोटल प्रॉफिट मार्जिन जो इनका बच के आ रहा है वो 306 करोड़। तो 306 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, लेकिन क्या इनका ये नेट प्रॉफिट है? नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं है। इसके बाद इसमें टैक्सेस भी माइनस होंगे तो 306 करोड़ का इनका टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो बिफोर टैक्स हुआ है। अब इसमें से अगर अपन इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो और भी इसमें से कुछ यहाँ पर टैक्स जानने वाले हैं, तो देखते हैं इसमें से कितना टैक्स गए हैं। अपन यहाँ पर 306 करोड़ इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपन मान के चलते हैं। अब इसमें से कुछ टैक्सेस माइनस होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या टैक्स इसमें लगे हैं। तो टोटल इनका था प्रॉफिट इतना 306 करोड़ का, उसमें से 85 करोड़ के इनके लगे हैं करंट टैक्स एक्सपेंसेस, उसके बाद डिफर्ड टैक्स जो लगा है वो 28 करोड़ का लगा है, उसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट फॉर अर्लियर ईयर जो है 57 करोड़ का लगा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अपन बच के आता है टोटल 220 करोड़ का। तो 306 करोड़ में से अगर अपन बात करें तो इतने जो है इनके टोटल टैक्सेस में चले गए हैं और 220 करोड़ का इनका जो है टोटल नेट प्रॉफिट बच के आता है यहाँ पर।
तो नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी का, ओनली 220 करोड़ का नेट प्रॉफिट है यहाँ पर देखा था अपना। 14,000 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू हुआ था, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, उसमें टैक्स माइनस कर दिए, और अब जो बच के आ रहा है 220 करोड़ इनका, ये टोटल जो है इनका नेट प्रॉफिट है। अब इसमें से भी नेट प्रॉफिट में से और इन्होंने कुछ इनके एक्सपेंसेस हुए हैं, वो क्या है वो अपन देखते हैं। तो वो इनके जो एक्सपेंसेस है वो इन्होंने क्या किया कि इनके जो जॉइंट वेंचर्स थे, जो इनके शेयर होल्डर थे, उनको इन्होंने दिया है, वो कितना दिया है 9 करोड़, इन्होंने उसको डिसबर्समेंट दे दिया है। तो उसमें से जो 220 करोड़ में से अगर 9 करोड़ पर माइनस करेंगे तो 211 करोड़ इनके पास टोटल अभी पैसा बचा हुआ है। तो ओवरऑल 220 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, उसमें से 9 करोड़ इन्होंने एज अ प्रॉफिट और लॉस जो जो अपन वेंचर को देते हैं, जॉइंट वेंचर को, उनको इन्होंने दे दिए हैं। तो 211 करोड़ इनके पास टोटल बच के आ रहे हैं अभी। इसके बाद अपन बात करें तो और भी इनके कुछ एक्सपेंसेस इसमें गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माइनर हैं 0.631 करोड़, 1.72 करोड़, ऐसा करके इनके पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द पीरियड बताएं तो 209 करोड़ की है। तो एक आध करोड़ वो इधर उधर होता रहता है, लेकिन इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 211 करोड़ आप यहाँ देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट जो देख रखा है 211 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं 211 करोड़ में से इसका अगर अपन बात करें अर्निंग पर शेयर कितना है, तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.85 का इनका अर्निंग पर शेयर है। तो ये इनका मेजर था। अगर आपको इसमें अगर मेजरली टेकआउट करना है तो मेजर टेकआउट आप इसमें चार चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इनका टोटल रेवेन्यू कितना था, तो 14,405 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। उसके बाद इसमें अगर एक्सपेंसेस की बात करें अपन, तो एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, एक्सपेंसेस की बात करें तो इनके टोटल जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो है 14,099 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 306 करोड़ का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यहाँ देख सकते हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इनका 220 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो इनका है वो है 211 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो इनका है 1.85 का इनका अर्निंग पर शेयर है। तो ये तो इनका रिजल्ट का एनालिसिस हो गया इस क्वार्टर का। अब अपन कैसे देखेंगे कंपनी ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, तो अब कंपनी ग्रोथ देखने के लिए अपन पिछले साल के क्वार्टर का इसका रिजल्ट कंपेयर करेंगे इस साल के क्वार्टर से, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर तो चेंज होता रहता है। अगर अपन इस क्वार्टर से इसका कंपैरिजन करेंगे तो वो तो घटता बढ़ता रहता है क्वार्टर के हिसाब से, किसी क्वार्टर में कंपनी का ज़्यादा सेल्स होता है, किसी में कम होता है सीजन के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल पिछले साल के क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर का अपन कंपेयर करेंगे, जो कि है दिसंबर 2020 का क्वार्टर और दिसंबर 2021 का क्वार्टर, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है। तो चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कंपनी का दिसंबर 2020 का रेवेन्यू, मतलब टोटल जो इनकी रेवेन्यू हुआ था वो 10,238 करोड़ का, और अभी का अगर रेवेन्यू देखें तो 14,405 करोड़ का। तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली यहाँ पर, ऑलमोस्ट 40% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू में, तो ये कंपनी की अच्छी बात है। और इसके बीच भी अगर अपन पिछले सेप्टेम्बर के क्वार्टर का अपन कंपेयर करें तो सेप्टेम्बर क्वार्टर से भी यहाँ पर देखने को मिला है इंक्रीमेंट। सेप्टेम्बर क्वार्टर में इनका जो हुआ था 13,587 करोड़ का हुआ था, और अभी 14,405 करोड़ का, इसमें भी यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। तो ये तो बात हो गई इसकी रिवेन्यू की। अब अपन चलते हैं इसके एक्सपेंसेस के ऊपर, तो कंपनी के एक्सपेंसेस किस तरह से बढ़े हैं, तो एक्सपेंसेस देखेंगे अपन यहाँ पर। तो एक्सपेंसेस जो इनके हुए थे पिछले क्वार्टर में ऊपर अपन देखें दिसंबर 2020 के, तो 10,066 करोड़ के इनके टोटल एक्सपेंसेस हुए थे, और अभी जो एक्सपेंस हुए थे इनके 14,999 करोड़ का। तो इनके एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस भी साइमेंटेनियसली बढ़े हैं सेम रेशियो में, और पिछले साल के पिछले ईयर के जब अपन देखें पिछले क्वार्टर के, तो 13,358 करोड़ के इनके एक्सपेंसेस हुए थे। तो एक्सपेंसेस का रेशियो इनके रेवेन्यू के उससे सेम ही रहे। और इसके बाद अगर अपन देखते हैं इसका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन देखेंगे तो 110 करोड़ का इनका था 2020 के दिसंबर क्वार्टर में, और अभी जो इनका प्रॉफिट निकल का है 220 करोड़। तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा डबल हुआ है इनका, 100% ग्रोथ आप यहाँ पर प्रॉफिट में देख सकते हैं इसका, पिछले साल के कंपेयर में एग्जैक्ट डबल हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 110 करोड़ था इनका 2020 में दिसंबर क्वार्टर में, और अभी टोटल 220 हो चुका है। वहीं अपन अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में इनका 168 करोड़ का था, और यहाँ से भी इसने अच्छी खासी जंप देखा है यहाँ पर 168 से 220 करोड़ का। तो मैं तो यही कहूँगा कि पिछले साल के कंपेयर में अगर इसका अपन कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, 110 से 220 का इसने टोटल रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया है। तो कंपनी अगर बात करें तो अच्छी खासी ग्रोथ करी पिछले एक साल में कंपनी ने, अपना रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ाया है 40% से, और रेवेन्यू 40% बढ़ने के बाद इनका प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट इनका 100% से बढ़ा है। और इसके बाद अगर अपन देखें इसका अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर इनका पिछले साल था 1.11, वो ये बढ़कर का भी हो गया 1.85, और पिछले क्वार्टर का देखें तो 1.60 था। तो यहाँ पर कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पर।
आप क्वार्टर टू क्वार्टर चेक कर सकते हैं और ईयर टू ईयर भी चेक कर सकते हैं। तो सब चीज़ों में ग्रोथ देखने को मिली, और सबसे बड़ी बात इनकी जो रिवेन्यू है 40% से बड़ा है। आप रिवेन्यू की बात करेंगे यहाँ पर तो रिवेन्यू इनका बड़ा है 40% से, और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इनका बढ़ा है 100% से। मतलब कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, और अगले क्वार्टर में भी अगर अच्छा खासा रिजल्ट दिखाती है कंपनी तो कंपनी का शेयर प्राइस आपको ऑलमोस्ट ये 500 के ऊपर तो इजीली जाने को देखने को मिल सकता है। अभी का जो चल रहा है इसका 375, तो 375 को इजिली क्रॉस करके चला जाएगा ये 500 के ऊपर, और हो सकता है आने वाले एक आध साल में ये आपको 1000 के ऊपर भी ये शेयर आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपके पास भी पोर्टफोलियो में ये अगर शेयर है तो आप इसको होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अच्छा खासा ये रिवेन्यू जनरेट करके देगा, अच्छा खासा पैसा बना के देगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।